मॉडुलस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना, मॉड पर आते हैं। अच्छा मॉड है ना, मॉड क्या होता है, ठीक है ना, मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बिना साइन के ना, किसी नंबर का कोई साइन ना हो, है ना ऐसा। तो जैसे मान लो दे रखा है 2, ठीक है ना, जैसे अपन प्लस 2 लिखते हैं ना, तो प्लस 2 का क्या साइन, विदाउट साइन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, अच्छा माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ जाएगा, वो 2 भी 2 आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो पाई है, तो पाई तो पॉजिटिव है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पाई आ जाएगा। माइनस 7 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है सर। करना क्या होता है ना, बेसिकली अपन प्लस साइन के लिए तो लिखते ही नहीं है, आप तो जानते हैं प्लस साइन थोड़ा लिखा जाता है। अगर नंबर है और अगर पॉजिटिव है तो अपन ऐसे लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, जैसे पाई लिखा है ना, तो पाई का पाई आ जाएगा। तो फंडा क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि विदाउट साइन निकालने के लिए, नेगेटिव नंबर है ना, जैसे माइनस 2 है, तो आप क्या पूछोगे, क्योंकि तेरा साइन क्या है, ठीक है सर। तो माइनस है, अगर नेगेटिव है, तो आप क्या करो, इस नंबर को कर क्या रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर रहे हो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। अगर आपको माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ठीक है सर, तो क्या कर दो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। और अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब जीरो का तो क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो का तो क्या, जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो यहां से अपने को एक डेफिनेशन मिल गई ना, कंडीशन है बेसिकली, मॉडुलस निकालना अपने आप में कंडीशन होता है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर नेगेटिव हो तो उसको माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप में एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आएगी। और जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो तो क्या वैसे विदाउट साइन है। तो इससे अगर किसी भी वेरिएबल की बात करें, ठीक है सर, तो वेरिएबल की टर्म में अगर आपको किसी का मॉड लेना है, तो ऑपरेटर ना किस तरह से आप किसी का मॉड लेते हैं, दोनों साइड आप वर्टिकल बार बना देना, दो वर्टिकल डंडे बना दें, इसका मतलब क्या है, आप उस क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू या उसके मॉड की बात कर रहे हैं, और ये बराबर आ जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि भाई अगर एक्स, अगर एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एज इट इज हो जाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव एक्स अपने आप में खुद नेगेटिव, नेगेटिव इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी नंबर पॉजिटिव है और ये भी नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मॉड के बाहर क्या आता है, जीरो या जीरो से ज्यादा ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा मॉड के बाहर, ठीक है ना ऐसा। क्योंकि नेगेटिव होगा तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है ना, लिख डालो। ये होता है डेफिनेशन, ये मॉड का डेफिनेशन है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कंडीशन है, आपको अपने आप से सवाल करना है, ठीक है ना, अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हारा मॉड तुम खुद हो, अगर नेगेटिव हो तो अपने आपको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इस बात को जनरलाइज कर देते हैं ना, जनरलाइज कर देते हैं किसी भी चीज का मॉड कैसे खोला जाए, ठीक है सर। तो भाई मॉड ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है ना, एक्सप्रेशन को मैं ईएक्सपी लिख रहा हूं, तो किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड आएगा, खुद एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना, अगर एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है सर। ये आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, एक्सप्रेशन खुद आ जाएगा अगर एक्सप्रेशन है पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्सप्रेशन का नेगेटिव आ जाएगा अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव, ठीक है ना सर। खत्म हो गया मॉड, ठीक है सर। अच्छा थोड़ा और जो है इसको और जो है और जनरलाइज करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लो दे रखा है ऐसा ना, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। और अगर मान लो लिखा हुआ है ऐसे 2 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा, ठीक है सर। अच्छा अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 7 बेस हाफ, ठीक है सर, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर क्या आएगा, लॉग 7 टू द बेस 2 आ जाएगा, ठीक है ना सर। बताता हूं भाई, ये नंबर जो है ना नेगेटिव है, ठीक है ना, ये नंबर नेगेटिव है। जैसे मान लो अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है ना, यहां से बहुत आराम से दिख रहा है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है, उसका स्क्वायर किया, उसका रूट लिया, तो क्या आ जाता है, आंसर क्या आता है, वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर लिया, रूट लिया, तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। ये बात जम रही ना, कि यहां नेगेटिव है तो ये वाली चीज, क्या चीज,
उसका स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, उसको आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा तो यहां पर आप बताओ कि लॉग सेवन बेस हाफ जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी ना, सात जो है एक से ज्यादा है और हाफ जो है एक से कम है, तो ये नेगेटिव है। तो आपका आंसर कितना आएगा, इसके बाहर आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ सेवन बेस हाफ, ठीक है ना, ऐसा आएगा। सही बात है ना, नेगेटिव नंबर है, इसको मॉड की टर्म में डिफाइन ही कर देता हूं, ठीक है ना सर जी। क्या लिखा हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, मॉड एक्स आएगा। ये क्या लिखा है, मॉड एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो कितना आ जाएगा, या जीरो हुआ, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का अंडर रूट कितना आ जाएगा, जीरो। तो एक्स अगर जीरो या जीरो से ज्यादा है तो आउटपुट कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉड करके आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये टू की पावर बाहर आएगा, ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा, ये टू की पावर माइनस वन लिखा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आ जाएगा लॉग ऑफ सेवन बेस टू। ये ध्यान रखना, अंडर रूट के बाहर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, और मॉड के बाहर भी क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब जीरो या जीरो से ज्यादा, ठीक है ना। रूट के बाहर भी जीरो या जीरो से ज्यादा आएगा, और मॉड के बाहर भी हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा आएगा, ठीक है सर, लिख डालो ये सब। पूरा अच्छा, इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं भाई, मॉड ऑफ टू है ना, मॉड ऑफ टू बराबर आएगा मॉड ऑफ माइनस टू, सही है ना। मॉड ऑफ सेवन और मॉड ऑफ माइनस सेवन क्या है, बराबर आएंगे। मॉड ऑफ थ्री मॉड ऑफ माइनस थ्री क्या है, बराबर आएंगे। तो उसी प्रकार से मॉड ऑफ एक्स जो है बराबर आएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स के, ठीक है सर। और अभी मैंने आपको बताया ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के, ठीक है सर। और सिमिलरली ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर भी लोगे तो उसके भी बराबर आएगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये और ये बात बराबर है, ठीक है, ये बताइए मॉड एक्स है और मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या, मॉड ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये चारों चीजें बराबर होती हैं और इस तरीके से ही ओपन होता है, ठीक है सर।